आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से हेल्थ पे लेक्चर्स नहीं आए थे, आपको पता ही है मैं अलग अलग बीमारियों पे हेल्थ पे लेक्चर्स बनाता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा ये जो शानदार यूपीएससी 2023 का कोर्स है, मैं आपको बताता हूँ हमने कितनी क्वालिटी दी है। जो हमारी टेस्ट सीरीज थी 31 सवाल, देखिए मैंने शायद स्क्रीनशॉट अगर लगाया हो कि नहीं, कोई बात नहीं, 31 सवाल जो है डायरेक्ट पूछे गए थे, डायरेक्ट मैंने अपलोड किया है वो पूरा सबूत के साथ, और बाकी इनडायरेक्ट तो खैर आता ही है। तो अब देखिए, हमने ये यूपीएससी 2023 कूपन कोड लगाया है आपके लिए, बहुत सस्ते में हम अपना कोर्स बेचेंगे, हमेशा बेचेंगे, ताकि आपके ऊपर कभी भी भार ना आए। 1 लाख का भी बेच सकते हैं, नहीं बेचेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं भाई अगर आपको 1 लाख देने तो दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्या प्रॉब्लम है जो अगर हम इतना ज्यादा कम में दे रहे हैं, क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता, बच्चों को ये कंप्लेन रहती है। तो इसीलिए हमने ये कोर्स बहुत कम में किया है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, लाइव क्लासेस शुरू हो रही है आंसर राइटिंग की, तो फटाक से कोर्स में एनरोल करें। विनय सर आपको मिलेंगे इन नंबर्स पे, इन नंबर पे आपको कॉल करना है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये आप देख लो, ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या है कि जहां से आपकी टॉयलेट निकलती है, जहां से आपका पेशाब निकलता है, ओके। तो आप ये समझिए कि हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, लेकिन जो वेस्ट है अगर वो वेस्ट नहीं निकले तो वो जहर बन जाएगा और आपकी बॉडी में फैल जाएगा। वो वेस्ट निकल जाता है, वो वेस्ट आपके सुसू के थ्रू निकलता है, पॉटी के थ्रू निकलता है, राइट। तो आप ये समझिए कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है कि जो वेस्ट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किडनी है ना, ये जो किडनी है, कल मैंने किडनी रैकेट पे एक लेक्चर भी लिया था, तो ये जो राजमा की तरह किडनी है ना, किडनी बीन्स, राजमा को बोलते भी है किडनी बीन्स, तो ये किडनी जो आप देख रहे हो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जो वेस्ट है ना ये ब्लड स्ट्रीम से निकालता है, आपके खून से सब कुछ वेस्ट निकाल देगा, और ये इसको कहते हैं यूरेटर्स, उसके बाद ये फिल्टर करेगा और ये यूरेटर्स के थ्रू जाएगा और वेस्ट आपका फिर उसके बाद यूरेथ्रा से होते हुए आपकी पीनस से निकल जाएगा, राइट। तो एक तरीके से वेस्ट आपका बाहर चला गया। आप अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बैक्टीरिया घुस गया अंदर, तो हो जाएगा आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए उन्होंने फिजिकल इंटीमेट हुए किसी के साथ, वो ठीक है, अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो या अगर आप इजैक्युलेट कर रहे हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि इसमें एक बर्निंग सेंसेशन का सेंसेशन सा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है ये आपके प्रोस्टेट की वजह से होती है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन कैंसर, अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है ये आपको हेल्दी रखता है, जितना बढ़िया ये होगा उतने ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। कई बार किडनी में स्टोन्स आ जाते हैं उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो खैर हम जानेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये बैक्टीरिया के थ्रू, क्योंकि हम यूटीआई की बात कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, वो खैर बहुत ही वो लॉन्ग एज बड़े उसमें होता है, जब आप वैसे भी चांसेस कम ही रहते हैं, नहीं चांसेस कम नहीं रहते, इनफैक्ट ये प्रेवलेंट है, प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन है, बट वो आमतौर पर 50-60 साल बाद ही होता है, क्योंकि बहुत ही स्लो होता है, वो बहुत ही स्लो कैंसर होता है वो, ओके। अफ्रीकन्स को बहुत ज़्यादा होता है वो, जेनेटिक उनके, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना यूरिनरी ट्रैक्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो नाम टंग ट्विस्टर की तरह है, तो यूटीआई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे यूटीआई औरतों को ज़्यादा होगा, आदमियों को इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो है, लोअर यूटीआई सिम्टम्स क्या हैं, जब भी आप सुसु करेंगे, टॉयलेट करेंगे, तो आपको जलन होगी, बर्निंग टाइप का होगा, जलन होगी, ठीक है, और ड्रॉप्स निकलेंगी, ऐसे एकदम फ्लो में नहीं निकलेगा, ड्रॉप्स निकलेंगी। देखिए कभी कभार चलता है, लेकिन अगर आपको लगातार हो रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे तो ये सारे सिम्टम्स है, अरे महानुभाव सारे सिम्टम्स नहीं है तुमको, देखो सिम्टम को ऐसे पहचानो, अगर 2-3-4 दिन हो रहा है ठीक है नॉर्मल है, लेकिन वो लगातार हो रहा है 1-2 हफ्ते तक जा ही नहीं रही वो प्रॉब्लम, तो फिर दिखाना पड़ेगा आपको। बुखार आया 1-2 दिन में उतर गया ठीक है नॉर्मल है, लेकिन अगर वो लगातार 1 हफ्ते तक बढ़ा हुआ है 1.5 हफ्ते, तब आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो ऐसे सिम्टम को पहचानना है। उसके बाद यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना, जैसे डायबिटीज में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन की बढ़ जाती है, हर 5-5 10-10 मिनट पे टॉयलेट जा रहे हैं। देन उसके बाद
अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, एक बार आपको यूरिन आया पगला जाओगे आप। एक मूवी है ना ग्रीन माइल करके, उसमें टॉम हैंक्स को यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जब भी आपको यूरिन आएगी आप रोक नहीं पाओगे और एकदम जलन होगी जब भी आपकी यूरिन पास होगी। उसके बाद ब्लडी यूरिन, यूरिन में खून आना, क्लाउडी यूरिन, और जैसा कि मैंने बताया एकदम रेड तरीके की यूरिन, रेडनेस आना उसमें, बहुत ही ज्यादा महक, स्ट्रांग अडर, बहुत ही ज्यादा बदबू टाइप की अगर आ रही है, पेल्विक पेन, ये औरतों में होता है, और रेक्टल पेन इन मेन में होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं। इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम्स होता है वो एक तो बर्निंग सेंसेशन होता है कि जब भी आप यूरिन पास करोगे आपको जलन होगी, देन अगर ब्लड यूरिन में ब्लड काफी ज्यादा आ रहा है और आ रहा है लगातार आ रहा है तो फिर ये थोड़ा सा डेंजरस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्रॉप्स, जब भी आप यूरिन करोगे तो ड्रॉप ड्रॉप निकलेगा, हालांकि उसमें प्रोस्टेट का भी हाथ होता है, जैसे सिस्टेसिस कई बार ये होता है, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियां क्या इन्फेक्शन होते हैं बेसिकली। तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, अब अपर ट्रैक्ट, वैसे लोअर ट्रैक्ट में ही होता है, अपर ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें भाई चिल्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं अगर यूटीआई की बात करें। रिस्क फैक्टर्स, किन किन को यूटीआई होता है, यूटीआई बेसिकली बैक्टीरिया ई कॉली, वो जो बैक्टीरिया है ना, ये आपको, ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है ना वहां पे भी पाया जाता है, वहां पे भी बदतमीजी करता है और आपके कई बार यूटीआई में भी बदतमीजी करता है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के कारण आपको यूटीआई हो सकता है। आप जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं है ना, वहां से भी वो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, आपको पता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको यूटीआई हो गया था, तो उसने पब्लिक टॉयलेट यूज किया था, बहुत गंदा था वो, बहुत गंदा हो तो कोशिश करें कि उसको ना ही यूज करें, थोड़ा सा रोक ले, हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ओके, तो जिनकी उम्र ज्यादा है उनको यूटीआई हो सकता है। ओके, देन उसके बाद अगर मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है, किसी की मोबिलिटी रिड्यूस हुई है सर्जरी के कारण, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है। किडनी स्टोन्स देखिए हैम्पर करते हैं ना, जब भी आप टॉयलेट पास करोगे किडनी में ऑलरेडी स्टोन है तो वो हैम्पर करते हैं। देन उसके बाद अगर आपको इससे पहले यूटीआई होता है उस वजह से, अब ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्ट है, जैसे इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का ये अखरोट जैसा होता है, वॉलनट शेप का होता है, अगर ये प्रोस्टेट की बात करें, किधर चला गया यार, ये प्रोस्टेट, हाँ ये रहा, ठीक है, तो ये आपका है प्रोस्टेट मर्दों में। तो ये देखिए, ये अगर आप देखो ये पूरा का पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट समझाया गया है, आपके आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपकी जो पीनस है, उससे टॉयलेट भी निकलती है और स्पर्म भी निकलता है, दोनों ही चीजें निकलती हैं। ये प्रोस्टेट क्या करता है, ये जो स्पर्म है ना उसमें फ्लूइड्स डालता है जो आपके स्पर्म को और ज्यादा नॉरिश करे। तो अगर इसमें ब्लॉकेज होगी ना तो ऑटोमेटिकली दिक्कत होगी आपको। अगर ब्लॉक होगा, मान लीजिए कि आपका ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, वहां पे कोई किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है, जैसे अगर प्रोस्टेट बड़ा होता जाएगा ना तो जो टॉयलेट है या जो स्पर्म है उसको पास होने में दिक्कत होगी, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया तो प्रॉब्लम होती है, और प्रोस्टेट बढ़ने का ये भी साइन होता है कि हो सकता है आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो, ये चीज है। देन किडनी स्टोन्स, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, देन डायबिटीज, अगर डायबिटीज है वो भी एक, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अक्सर यूटीआई हो जाता है, इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो सारी बीमारियां लग जाएंगी, और एबनॉर्मली डेवलप्ड यूरिनरी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम बर्थ। ये जैसा कि मैंने बताया ना, ये अफ्रीकन्स में होता है ज्यादा, यूटीआई अफ्रीकन्स में आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनका वो जेनेटिक ही है ऐसा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स, इसमें दवाइयां दी जाती है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। अब बैक्टीरिया होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वायरस या फंगल, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ओके, तो ये है। फिर उसके बाद आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, देखो इसको प्रिवेंट, वैसे तो आपको डॉक्टर को के पास जाना पड़ेगा, यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए अगर आपको ये हुआ, और उसके बाद आप, वो आपको बताएंगे, आपको दवाइयां देंगे। अगर आप चाहते हो कि कभी ना हो तो जितना हो सके पानी पियो, पानी अगर आप पी रहे हो आपको किडनी बढ़िया रहेगी, आपका, आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, आपकी स्किन बढ़िया रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। पानी पियो, बहुत ज्यादा पानी पियो, तो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर,
अब इस पे पानी पीना भी एक कला है, आपको पता है, हम तो बस पानी गटागट पी जाते हैं। खाने के एक घंटे बाद पानी पानी पीजिए आप, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा। खाने से एक घंटे पहले पानी पी लीजिए। पानी का भी एक शेड्यूल होता है कि पानी कब कब पीना है। अब देखिए आमतौर पर कोई, मैं खुद फॉलो नहीं करता, नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बेसिक्स तो फॉलो करें, ठीक है, जितना हो सके उतना फॉलो करें। फिर उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं ना, वो यूरिन को काफी टाइम तक रोक लेते हैं, ये ना करें, डू नॉट होल्ड द यूरिन, कुछ चीजें निकल जाने दीजिए, उसको ज्यादा देर तक रोकने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अपने डॉक्टर से बात करें। फिजिकल जब आप होते हो, वेन यू डू सेक्स, वो भी एक उस पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो बोला जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें, कॉन्डम्स का यूज करें, वरना जो बैक्टीरिया है वो पास ऑन हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप यूटीआई से बच सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन तरीका यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको हो गया है और डॉक्टर आपको दवाई देगा ठीक हो जाएगा, वरना ये सब चीज़ें आप करें तो भी ठीक हो जाता है। क्रैनबेरी जूस बहुत हेल्प करता है, क्रैनबेरी जूस का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसे यूटीआई जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, हेल्थ के लेक्चर्स मैं दोबारा बनाऊंगा, बीमारियों पे लेक्चर्स मैं दोबारा बनाऊंगा, ताकि आप अवेयर रहें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।